Hello student, good morning. How are you all? Fine? Okay. तो आज हम हिंदी subject पढ़ने वाले हैं. आपने देखा कि last video में हम chapter number 25 वो पढ़ रहे थे, है ना? तो chapter 25 में उसका जो chapter है उसका explain मैंने किया था कि फुलवारी. तो फुलवारी के बारे में हमने समझा कि फुलवारी क्या होती है, कि फूलवारी यानी कि अलग वहाँ चारों ओर फूल ही फूल अलग अलग तरीके के होते हैं और उसको फूलवारी बोलते हैं, यानी कि नर्सरी, है ना? तो फूलवारी में कौन कौन से फूल होते हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ा और बगीचा और फूलवारी का हमने डिफरेंस पर भी सीखा. ओके, तो आज हम उसकी एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं. ओके, तो यहाँ आप देख रहे हो कि अभ्यास क्वेश्चन वन है. खाली जगह है भरो. क, ये देश रंग के चंपा महक रहे है. तो हमारे जो पाठ था उसमें हमने समझा कि चंपा है वो महक रहा है. तो चंपा का रंग कौन सा है, चलो बताओ. यस, चंपा का रंग सफेद होता है ना? तो यहां हम लिखेंगे सफेद. ओके, ख, यह देश सूरजमुखी है. हमने देखा कि सूरजमुखी कैसा होता है और आपके घर पे भी वो कोई कोई के घर पे भी उगा हुआ होता है. तो देखा नहीं होगा आपने, यानी आपने पिक्चर में भी देखा होगा कि सूरजमुखी का कलर कैसा होता है, उसका फ्लावर कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है ना? तो इसमें बताया कि यह देश सूरजमुखी है, यानी कि उसका कलर कैसा है, पीला. यस, तो यहाँ हम लिखेंगे पीला पीला. यह पीला पीला सूरजमुखी है. ग, यह देश घास है. वहां फूलवारी में घास कैसी होती है बताओ, हरी हरी. यस, तो यहां हम लिखेंगे हरी हरी, यानी ग्रीन ग्रीन. वहां हरी हरी घास होती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न के उत्तर लिखो. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, फूलवारी में कौन कौन से फूल है. तो आपने देखा वो चैप्टर में कि सभी फूलों के बारे में उसका नेम और उसका वर्णन बताया था. तो चलो कौन कौन से फूल थे चलो बताओ. तो यहां हम लिखेंगे फूलवारी में गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी, चंपा, गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी, चंपा और चमेली के फूल हैं. जो चैप्टर में जो जो फूल का नेम दिया है वो यहाँ आपको लिखना है. ओके, क्वेश्चन नंबर टू, ख, फूलों पर कौन उड़ रही है. फूलवारी का जो चैप्टर हमने पढ़ा तो उसमें मैंने बताया था कि किसको फूल बहुत पसंद है और उसके आजू बाजू कौन घूम रहा है, उस पर बैठ रहा है. यस, क्या आएगा, तितलियां. यस, तो यहां हम लिखेंगे
तितलियां उड़ रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग भोरे क्या कर रहे हैं। चैप्टर में आपने देखा कि एक तो भौरे और तितलियां की बात की है, क्योंकि तो तितलियां फूलों पर उड़ रही है, तो भौरा क्या कर रहा था, तो यहां हम लिखेंगे भौरा फूलों पर गूंज रहे है, वो गुंजन करते हैं ना भौरे, तो वो आएगा। आ गया समझ में, भौरे क्या कर रहे हैं? उत्तर, भौरे फूलों पर गूंज रहे हैं। ओके, तो आज हम एक्सरसाइज में खाली जगह और क्वेश्चन के उत्तर वो हमने आज पढ़े, तो वो आपको क्या करना है, क्लास वर्क में और होमवर्क में गुड हैंडराइटिंग में लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।